हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वज्जायानं नमो लोये सवसाउनं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिक्रम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहु गति दुख तें काड़ी मुक्ति कर तार है। आज सातवां नहीं आठवां दिन इन 10 लक्षण महापर्व में आज आठवां दिन है किसका? उत्तम त्याग का दिन। त्याग 7 दिनों में हमने 7 धर्मों की चर्चा कर ली, अब उत्तम त्याग की। आज तो सीधे अपन विषय की ओर ही बढ़ते हैं। तो ये त्याग क्या है? त्याग किसे कहते हैं? निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति, ये त्याग है। अपने ग्रहण पूर्वक जो बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह की निवृत्ति होगी ना, उसका नाम है त्याग। किसके होता है ये त्याग? किसके होता है? अरे जो जीव संपूर्ण पर द्रव्यों से मोह छोड़कर संसार देह और भोगों से उदासीन रूप परिणाम रखता है, उसके ये त्याग धर्म होता है। उसके हुए गए त्याग धर्म किसके? जो संसार देह भोग इन सबसे सबसे उदासीन रूप परिणाम है ना, पर द्रव्यों से मोह छोड़ देता है, जिसके पूरा छूट जाता है, उसके ये त्याग धर्म होता है। ये त्याग धर्म के साथ में 99% हमेशा दान की चर्चा की जाती। दोनों में बहुत समानता भी है, क्योंकि बिना त्याग की भावना के दान नहीं हो सकता। कभी भी आप देख लेना, किसी को भाव ही नहीं आएगा भाई, उसको त्याग का भाव आया भी तो दान देगा ना, भले उसके उसके अंदर थोड़ा सा मंद है ना, लेकिन फिर भी उसको भाव आएगा त्याग का, तभी वो दान देगा। तो बिना त्याग की भावना के दान नहीं हो सकता। आज हम देखेंगे कि सब जगह आज सब लोग बहुत दान देंगे, है ना, हर जगह आपको बहुत लोग दान देते दिखेंगे। तो क्या दान और त्याग एक ही बात है क्या? दोनों एक ही है। आपको नहीं कई कई जगह पर लिखा भी मिल जाएगा, अपने जिनागम में भी लिखा मिल जाएगा कि दान को भी त्याग कहा जाता है। दान देने की प्रेरणा भी दी गई है, भरपूर दी गई है ना। दान दान की भी एक अपनी उपयोगिता महत्वता बताई गई है, महत्व बताया है। लेकिन जब अपन गहराई से विचार करते हैं तो ये दोनों बहुत अलग अलग है। निश्चय से विचार करते हैं तो दोनों में महान अंतर है, महान अंतर। दान की जो चर्चा होगी ना, ये मुख्यतः गृहस्थों के लिए होती है, और त्याग मुनिराजों के होता है। ये 10 धर्म ये मुनिराजों के होते हैं। इसमें ये उत्तम त्याग धर्म है ना, ये मुनिराजों के होता है। इसीलिए ये जो 10 लक्षण महापर्व साल में तीन तीन बार आता है ना, ये मुख्यतः गृहस्थों के लिए है कि कम से कम इन इन 10 दिनों में तो जरा सा अपने परिणामों को शांत कर लो। ये गृहस्थों के लिए है। क्यों? क्योंकि गृहस्थों के त्याग धर्म को मुख्य रूप से दान के रूप में कहा देखा जाता है, क्योंकि दान में भी त्याग की भावना होती है। मुनिराजों के तो 10 लक्षण ये 365 दिन है, पूरे पूरे साल भर उनके तो यही यही चीजें चलती है दिमाग में उनके। तो क्या चलेगा? अरे दिन रात आत्मा का चिंतन मृत संभाषण में वही कथन निर्वस्त दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। उनके तो दिन रात आत्मा का ही चिंतन चलता है और कुछ ही नहीं चलता है। क्या चलेगा उनके? यही यही चीज तो करने की है। इसीलिए
इसीलिए गृहस्थों के लिए विशेष रूप से विशुद्धता बढ़ाने वाले ये पर्व है, ये 10 लक्षण पर्व है। जिस वस्तु का आप दान दोगे ना, उस वस्तु के प्रति आसक्ति कम हुई या नहीं हुई, ये इस चीज पर विचार करना चाहिए। आसक्ति कम हुई या नहीं हुई, अरे हुई ना, क्योंकि बिना राग छोड़े किसी भी वस्तु का दान नहीं दिया जा सकता है। और ये त्याग धर्म ये ही तो है कि परमे एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व, ये बुद्धि को हटाओ, इन बुद्धियों को हटाना, मोह राग द्वेष के परिणामों का त्याग करना, यही तो त्याग धर्म है। जब तक आपको मन में त्याग की भावना नहीं आएगी, तब तक दान नहीं हो सकता है। किसी भी चीज, कोई सी भी चीज हो दुनिया में, जब तक आपको थोड़ी सी भी भावना उसके त्याग की नहीं आएगी ना, वो दान नहीं होएगा। अरे ये दान पराधीन प्रक्रिया है, पराधीन है ये, और त्याग स्वाधीन प्रक्रिया है। पराधीन प्रक्रिया का मतलब क्या है? पराधीन प्रक्रिया का मतलब है जिस चीज का आपको दान देना है ना, जिस चीज का आपको दान करना है, जो वस्तु आपके पास होनी चाहिए, वो जो वस्तु है वो आपके पास होनी चाहिए। उसमें तीन चीजें हैं, तीन चीजें दान के लिए आपको तीन चीजें चाहिए। क्या? एक तो देने वाला, भाई देने वाला तो एक चाहिए, एक लेने वाला, जिसको दोगे, और जिस वस्तु का दान करना है वो भी आपके पास में होना चाहिए। तीन चीजें चाहिए। जैसे अभी समझ लो, ज्ञान ज्ञान देना है ना, ज्ञान दान होता है ना, तो एक तो जो ज्ञान दे रहा है वो होना चाहिए, ज्ञान देने वाला, एक जो ज्ञान ले रहा है, जिसको ज्ञान दे रहा है वो होना चाहिए, और एक जिस चीज का ज्ञान दे रहा है वो होना चाहिए ज्ञान भी। ये ऐसी ये तीन चीजें होनी चाहिए, ये तीन तीन वस्तु चाहिए दान के लिए। लेकिन ये त्याग, त्याग में कुछ भी नहीं चाहिए, इसीलिए ये स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। अरे त्याग अपने आप से होता है, अपना अपने आप से होता है त्याग, पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। ये स्वाधीनता पराधीनता को दादा जो है ना कैसे बताते हैं, दादा इस चीज को ऐसे बताते हैं कि अपना क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन करना जो है, सम्यक दर्शन अपने आप से होएगा। तो वो सम्यक दर्शन करना चाय बनाने से भी आसान है। क्यों? क्योंकि चाय बनाने के लिए आपको तो 17 चीजें चाहिए, गैस चाहिए, आग चाहिए, उसके अंदर फिर दूध चाहिए, पतीली चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए, अपने ज्ञान करने के लिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सब है अपने पास, सिर्फ एक चीज चाहिए और कुछ भी चीज नहीं चाहिए। उसी प्रकार त्याग, त्याग में कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए वो स्वाधीन है और दान पराधीन है। ये त्याग धर्म है, दान पुण्य है। त्याग करने वाला त्यागी धर्मात्मा कहलाता है, वो हमेशा बड़ा होएगा, और दान देने वाला वो पुण्यात्मा कहलाता है, वो छोटा होगा। क्योंकि त्याग करने वाले, ये त्याग धर्म किनके है? मुनिराजों के हैं। मुनिराज हमेशा बड़े होंगे, और दान देने वाले तो गृहस्थ है, वो हमेशा छोटे होंगे। कभी भी देख लेना, चार प्रकार के दान है ना, चार प्रकार के दान कहे जाते हैं। कौन कौन से? आहार दान, अभय दान, औषध दान और ज्ञान दान, है ना। आहार दान मतलब भाई किसी को आहार खिलाना, मतलब किसी को भोजन करा के उसका पेट भर देना, है ना, ये आहार दान। फिर दूसरा क्या है? अभय दान, किसी की जान बचा के उसको नया जीवन दे देना, है ना, ये अभय दान। तीसरा क्या है? औषध दान, किसी को औषधि देना, दवाइयां देना। और चौथा क्या है? ज्ञान दान, किसी को ज्ञान देना। अब इसमें से जो ये तीन दान है ना, कौन से? औषध दान, आहार दान और अभय दान, ये तीनों इसी भव तक है, इसी भव तक रहेंगे। लेकिन जो ज्ञान दान है, ज्ञान जो है वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, क्योंकि ज्ञान दान करने के लिए आपने ज्ञान किया ना, और ज्ञान हमेशा साथ में रहेगा, ज्ञान कहीं जानने वाला नहीं है, इसलिए ज्ञान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। ये बाकी के जो तीन दान थे ना, आहार दान, अभय दान, औषध दान, ये तो शरीर आश्रित है, ज्ञान दान अपने लिए है, अपने से संबंधित है, इसलिए ये सबसे बड़ा है। कभी भी देख लेना आप,
हर जगह आपको ज्ञान देने वाला जो है, भले ही आपको लौकिक के अंदर लगे कि ये जो ये बाकी की चीजों का जो ध्यान दे रहा है, पर वस्तु को का जो ध्यान दे रहा है ना, वो बड़ा है, लेकिन वास्तव में जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान है वो ही बड़ा है ना। अभी मुनिराज थोड़ी ना देते, मुनिराज किसी को जाकर औषधि का दान देते हैं क्या? नहीं ना, वो तो देंगे तो आहार ज्ञान दान ही देंगे ना। आहार दान देते हैं क्या मुनिराज? नहीं देते, ज्ञान दान देते हैं, क्योंकि ये सर्वोत्कृष्ट चीज है। ज्ञान दान देने के लिए आपको स्वयं ज्ञान करना पड़ेगा, और आगे तक जाएगा ज्ञान दान, ये चीजें नहीं जाएगी। ये तो पर वस्तु होगा, पर कोई ग्रह वापिस दे दिया आपने, क्या क्या मतलब हुआ? इसीलिए ये तीनों कोई काम कार्यकारी नहीं है। वास्तव में ये ज्ञान ज्ञान ही हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, ये ज्ञान दान ही कार्यकारी है। मुनिराज ऊपर क्यों है? क्योंकि वो इसका दान देते हैं, बाकी तीन चीजों का दान नहीं देंगे। और मैं तो कहता हूँ आजकल ये अलग अलग तरीके के, अपन लोग तो पैसा देना इसको दान समझते हैं, हैं? हमेशा जो धनवान व्यक्ति है उसको ज्ञान, उसको क्या कहते हैं, दानवीर कहा जाएगा। जो ज्यादा से जो लाखों रुपए दान देता है ना, उसको दानवीर कहा जाएगा। विद्वान को नहीं कहा जाएगा कि तू दानवीर है, क्योंकि ज्ञान दान को अपन कुछ समझते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ज्ञान दान को अपन ने कुछ एकदम तुच्छ समझ रखा है। अरे सेठों को ऊपर बिठाते हैं और विद्वानों को नीचे बिठाते हैं। ये तो दादा आ गए, दादा की कृपा है, दादा का था कि भाई विद्वान जो है वो भी नीचे, जो सेठ है वो नीचे बैठने चाहिए, और मेरे जो विद्यार्थी, मेरे जो विद्वान है जो ये ज्ञान दान दे रहे हैं वो ऊपर बैठने चाहिए। ये बात दादा समझा गए कि ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। सारे मुनिराज, भगवान, तीर्थंकर सब यही तो बात बता के गए हैं, है ना। तीर्थंकर किस चीज का दान देते हैं? समव शरण में बैठकर दिव्य ध्वनि क्या है? अरे ज्ञान दान है, ज्ञान का दान कर रहे। और की आहार दान देते दिखाई देते हैं तीर्थंकर, आहार दान दे रहे। अरे कोई नहीं देगा, कोई देते दिखाई नहीं देता है। ये पर के ग्रहण में शुद्धात्मा का त्याग हो रहा है, त्याग हो जाता है पर के ग्रहण में। अरे शुद्धात्मा का ग्रहण करोगे तो पर का त्याग हो जाएगा। शुद्धात्मा का ग्रहण करो, वास्तव में वो है करने की चीज। ये ज्ञान, ज्ञान से ही त्याग होता है। नाणम पच्छक खाणम, ज्ञान, ज्ञान से ही वास्तविक त्याग होएगा। जहां जहां तत्व ज्ञान का जोर होता है ना, भेद विज्ञान होता है, भेद ज्ञान होता है, वही त्याग होता है भाई। पता चल जाएगा ना उसको, जबकि ये मेरी नहीं है, इसका मैं त्याग कर सकता हूँ, जो चीज मेरी है मेरे पास तो है, तो वो उस चीज का त्याग कर देगा। भेद ज्ञान उसको हो गया तो त्याग होएगा, तब त्याग होएगा। ये मेरा नहीं है, पर मैं मेरा कुछ ही कुछ है ही नहीं, मुझ में ना ग्रहण होता है, मुझ में ना त्याग होता है, मैं तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला हूं। अनादि से मैंने ना किसी वस्तु का ग्रहण किया है ना त्याग किया है। अरे त्याग बुरी चीजों का किया जाता है, त्याग हमेशा बुरी चीजों का किया जाएगा। ये मोह राग द्वेष इनका त्याग करते हैं ना अपन, त्याग हमेशा बुरी चीजों का होएगा। दान दान बुरी चीजों का नहीं होएगा। मोह राग द्वेष का ध्यान करो, देखो कैसे करोगे। दान अपन अच्छी चीजों का करते हैं, है ना, और त्याग बुरी चीजों का करते हैं। अरे वो स्वभाव से तो मैं सदा शुद्ध हूं, त्रिकाली हूं, परिपूर्ण हूं, ध्रुव हूं, ज्ञायक हूं, मुझमें कोई बुराई है ही नहीं। स्वभाव का ग्रहण और विभाव का त्याग, अरे हमें विभाव का त्याग करना है। विभाव का त्याग करना सच्चा त्याग है। स्वभाव का ग्रहण करोगे तो विभाव का त्याग अपने आप हो जाएगा। इसकी इसकी ओर ध्यान लगाना है अपने को, है ना। जब ये ज्ञान हो जाता है ना कि पर में मेरा कुछ भी नहीं है, जो उसका उसका क्या रखना, उसको क्यों रखना, क्या रखना उसका, कोई मतलब नहीं है पर से अपने को, तब त्याग कर अपने आप हो जाता है। तब त्याग कराया नहीं जाएगा। जब ये ज्ञान हो जाएगा कि पर में मेरा कुछ ही नहीं है, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। जब ये चीज का ज्ञान हो जाएगा उसको, तो त्याग कराना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाता है।
अरे चक्रवर्ती छह खंड की संपदा का त्याग करते हैं क्या? कि मैं ये संपदा का त्याग करता हूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे नहीं करते, वो तो जब उस संपदा से अब उस संपदा के प्रति राग हटा देंगे ना, राग हट जाता है जब, कि ये संपदा मेरी है ही नहीं, ये तो सब पर है। जैसे उनका राग छूटता है और अपनी अनंत अनंत गुण संपदा, अपनी जो अनंत शक्तियां हैं उनकी ओर दृष्टि चले जाती है, तो अपने आप त्याग हो जाता है, अपने आप। सोच के थोड़ी ना बैठते हैं वो। अरे जैसे ही उनकी दृष्टि अपनी ओर गई, अपने आप त्याग होएगा। दृष्टि अपनी ओर करो, ये अपनी ओर दृष्टि करनी है अपने को। किसी वस्तु के त्याग को त्याग नहीं कहते हैं, उस वस्तु के प्रति जो राग है ना, उस राग के त्याग का नाम त्याग है। उस वस्तु के राग का त्याग करो, ये करना है अपने को, ये है वास्तविक चीज। अरे ये मेरे परिवार नहीं है, ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये घर बार शरीर धन दौलत ये सब मेरी नहीं है, है ना। उसके लिए कब तक ये सब मेरे नहीं है, उसके लिए कब तक करते रहोगे? नहीं है। अपन हमेशा ये नास्ती रूप से क्यों देखते हैं? हमेशा कभी भी आप देख लेना, अपन नास्ती रूप से देखेंगे, ये मेरा नहीं है। अरे ये बोलो ना कि ये मेरा है, ये शक्ति मेरी है, मैं ऐसा हूं। ये बोलेंगे ये शरीर मैं नहीं हूं, अरे मैं आत्मा हूं, ये क्यों नहीं बोलते हो? नास्ती पर नेगेटिव साइड से क्यों? नेगेटिव व्यू क्यों है आपका? पॉजिटिव व्यू रखो ना, है? अरे जैसे जैसे दो को दो, दो और दो को पांच नहीं कहते हैं, दो और दो पांच नहीं होते, दो और दो तीन नहीं होते, नहीं कहा जाता ना उनको, क्यों नहीं कहा जाता? नास्ती से ये सब बोल सकते हैं ना अपन भी, कि दो और दो पांच नहीं होते। किसी को चार बताना हो तो उसको कह दो, दो और दो पांच नहीं होते भाई, अब समझ जा तू चार। अरे सीधे सीधे मुद्दे की बात कहा ना, कि दो और दो चार होते हैं, वैसे ही ये क्या बताना कि ये मेरा नहीं है, ये शरीर मैं नहीं हूं। अरे मैं कौन हूं? सीधे ये बताना मैं आत्मा हूं, सीधे इसकी ओर दृष्टि करना, स्वावलोकन करो। एक बोलो तो दूसरे की सारी नास्ती आ जाएगी। हाँ, आत्मा हो तो और कुछ नहीं हो। उधर आप ना भी बोल दो तब भी ये एक पूरा नहीं होगा, इधर एक बोल दो तो वो सब एक बार में आ गया। यही तो बात है, स्वावलोकन करना है अपने, स्वावलोकन करो, जो कुछ भी मेरा है उस पर दृष्टि करो, पर पदार्थों से भेद विज्ञान करो। यही किया है आज तक, यही किया है उन सिद्धों ने, अनंत अनंत सिद्धों ने जो सिद्धालय में विराजमान है ना, उन्होंने यही किया है, स्वावलोकन किया है। जो कुछ भी मेरा है ना उस पर दृष्टि की है, ये पर पदार्थों पर दृष्टि नहीं की। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एक केचिना। अरे भेद विज्ञान किया है उनने। आज तक हम जो ये जोड़ जोड़ के सुखी नहीं हो पाए हैं ना, इतने बड़े बड़े पैकेज होने पर भी आकुलित रहते हैं, सुखी नहीं हो पाए हैं, सुखी नहीं है। अरे बाहरी सर्व प्रकार की सुविधाएं होने पर भी सुखी नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है सुखी? क्यों नहीं है सुखी? अरे क्योंकि जिसे आत्मज्ञान नहीं होगा वह सुखी नहीं हो सकता है। अरे सुख तो हमारे भीतर भरा है, सुख अपने भीतर भरा है, अपने अंदर है सुख, बाहर में सुख है कहाँ? ये तो सुखाभास है, सुख का आभास हो रहा है कि ये सुख है, ये सुख है, इन चीजों में अपन सुख मान रहे हैं, सुख है नहीं, वास्तविक सुख तो हमारे भीतर भरा है। अरे अगर ये बाहरी भोग सामग्री के अंदर सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते भला? क्या कमी थी तीर्थंकरों के पास में, है? चक्रवर्ती के पास में क्या कमी थी? अरे आखिर क्यों त्यागा उनने? आखिर ज्ञानियों को ऐसा क्या मिल गया, कौन सी निधि मिल गई कि उन्होंने त्याग दिया, है? हमारे मुनिराजों के क्या मिल गया, उन तीर्थंकरों को, उन चक्रवर्तियों को जो छह छह खंड के अधिपति थे, है? भरत चक्रवर्ती छह खंड का अधिपति, उसके वैभव की कल्पना करो, तीर्थंकर
शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ, तीन तीन पद के धारी, तीर्थंकर भी थे, कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी थे। सोचो आप, अरे देव देव जिनके पांचों कल्याणक, जिनके गर्भ में आने से 6 महीनों पहले से पुष्प वृष्टि चालू हो गई थी, रत्नों की वर्षा चालू हो गई थी, देवों ने ऐसा कर दिया था। अरे जब जन्म हुआ ना तो नरकों में भी शांति हो गई थी। सोचो आप, सोचो एक बार। तो फिर उनको ऐसा क्या मिल गया, क्या मिल गया उन ज्ञानियों को, ऐसा कौन सी निधि मिल गई कि उन्होंने ये सब छोड़ दिया। हमारे ये जो मुनिराज है, भावलिंगी संत है, उनके पास क्या है? किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है तो भी वे सुखी हैं। सुख के सागर के अंदर डूब रहे हैं, सुख के सागर में डूबते हैं पल 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 पल। सिद्धों से बातें करते हैं, अंतर्मुख होकर सिद्धों से बातें करते हैं। आत्मानुशासन में श्लोक है ना, अरे निर्धन जन धन बिना दुखी, और तृष्णा में दुख में धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र, मुनिराज भोगते सुख की खान। अरे जो निर्धन है, जिसके पास धन नहीं है ना, ऐसा व्यक्ति धन के बिना दुखी है, और जिसके पास धन है वो धन की तृष्णा से दुखी है, और सभी भोगते कष्ट मात्र, हमारे मुनिराज भोगते हैं सुख की कान। जिनके पास कुछ भी नहीं है, एक भी चीज नहीं है, वो सुख की कान भोगते हैं। वास्तव में उनको मिल गई है। अरे इन 10 दिनों में अपने स्वभाव की ओर सन्मुख हो, इतनी विशुद्धता बढ़े कि जल्द से जल्द इस संसार का अंत आ जावे, अतींद्रिय आनंद प्रकट हो जावे। अरे इन 10 दिनों में बात कुछ अलग नहीं आएगी, एक ही बात होगी, पर 10 अलग अलग एंगल से कर रहे हैं। वो एंगल समझना है कि अपने अपने में अपनापन करो, अपने में समा जाओ और अपने में लीन हो जाओ। बस बस बस, ये लक्ष्य होना चाहिए हमारा। अरे हमें इस विभाव परिणति का त्याग करना है और अपने में अपनापन करना है। बस इतनी सी चीज ही तो करनी है, और क्या करना है? कुछ 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 करना नहीं है। अरे वो पंक्तियां है ना, वो क्या कहते हैं, 34वां कलश है ना समय सार का, अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है, उसका पद्यानुवाद जो ज्यादा ने किया, क्या लिखते हैं? हे भव्य जन, क्या लाभ है इस व्यर्थ की बकवाद में, अब तो रुको, निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। गारंटी दे दी उनने, अनवरत 6 मास तक अगर आत्मा की साधना कर ली तो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, संदेह नहीं है इसमें कोई। अरे इन बाहरी पर पदार्थों में लग रखे हो, अरे अब तो रुको, निज को लखो इस अध्यात्म के अभ्यास से। ये क्या मिल गया है अपने को, क्या चीजें मिल गई है, क्या चीजें बता दी है उनने, अभ्यास करो इस चीज का। आप कभी भी देख लो, ये दान जो है, दान दान, और अपन तो त्याग की चर्चा कर रहे थे, दान जो है ये दान हमेशा उपकारी वस्तु का दिया जाएगा, पर त्याग अपकारी वस्तु का किया जाता है ना। दान तो किसी के उपकार की भावना से किया जाता है, पर त्याग है ना, अपनी वस्तु को दान देकर अपनी मान कषाय का पोषण करते हैं, है ना। लोग क्या करते हैं आजकल, दान को क्या क्या समझ रखा अपने मान का शायद अपना है ना, नाम मान बड़ा कषाय हो का गया। पोषण करते हैं। जैसे सांप कांचली, क्या कहते हैं, कांचली को तो तोड़ देता है ना, पर अपने विष को नहीं छोड़ता। उसी तरह अपनी वस्तु का हम दान तो दे देते हैं, पर मान नहीं छोड़ते। अरे ये मान महाविष रूप है, ये मान है सबसे बड़ा विष। अमार्दव धर्म में चर्चा की थी ना अपन ने इस मान की, ये मान है सबसे खतरनाक।
अरे घर बार खाना पीना छोड़ना तो बहुत आसान है, अंदर से इस मोह राग द्वेष इन परिणामों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये परिणाम छूट गए ना तो बाकी तो अपने आप छूट जाएगा, बाकी तो छूटे हुए ही है, छूट क्या जाएगा, बाकी तो है ही नहीं मेरे, उनको तो मेरा मान रखा है मैंने, उनको क्या छोड़ना है। अरे अपने स्वभाव की ओर दृष्टि कर, अपनी स्वभाव की ओर दृष्टि ला। स्वभाव की ओर दृष्टि आ गई ना, स्वभाव की ओर एक बार दृष्टि आ गई तो ये सब सब सबका त्याग अपने आप हो जाएगा। अरे ना किसी चीज के अभाव में जाओ, ना किसी चीज के प्रभाव में जाओ, अरे बस अपने स्वभाव में जाओ। ये करना है अपने को, अपने स्वभाव में जाना है बस, अपने स्वभाव में जाओ। जब तक अपने स्वभाव में नहीं जाओगे जब तक कुछ ही नहीं होने वाला है। अरे मांगने वाले नहीं देने वाले बनो इस जग का, इस जग में ही छूट जाने वाला है, इस जग का जो भी है ना वो इस जग में ही छूट जाने वाला है। अपने अंदर में जो संसार बसा रखा है ना उसका त्याग कर दो, उसका त्याग करो, बाकी ये सारी वस्तुएं तो अपने आप छूट जाएगी। छूट जाने और छूट देने में फर्क है क्या? क्या? अरे छूट तो अपने आप जाएगी मरण समय तक, मरण समय जब आएगा ना अपने आप छूट जाएगी, पर छोड़ने से उसके प्रति जो राग है ना, उसके प्रति जो राग है, आसक्ति है, वो कम होगी। उससे शुभ भाव होता है, ये शुभ परिणाम जिससे पुण्य बंधता है, आगे भी हमारे साथ जाने वाले हैं ये शुभ भाव, ये शुभ परिणाम, ये हमारे साथ जाने वाले हैं। ये है वो बड़े बुजुर्ग को कहते, सुना होगा ना आपने, जो दे गया सो ले गया। अरे अपने आप दान करो इन चीजों का, है ना, त्याग करो उसके प्रति राग का, त्याग करो, है ना। ऐसा नहीं है, आप देखोगे संसार में जितने भी आपको जो दानवीर दिखाई देते हैं ना, वो 1 लाख का ध्यान दान करेंगे और 3 लाख रुपए कमाएंगे, आसक्ति उनकी कोई कम नहीं हो रही है ना, आसक्ति कम नहीं हो रही है उसके, उस चीज के प्रति राग उतना ही है ना। वो कमाने कमाने की ओर दौड़ता है, और ये दान भी दे रहा है तो किसी लिए, कि मुझे पुण्य लगेगा, मुझे पुण्य मिलेगा इसीलिए। अरे ये नहीं करना है अपने को, ये वास्तविक दान नहीं है। अरे जो दे गया वो ले गया, और जो सोचते रहते हैं ना कि आज नहीं कल देंगे, किसी ओकेजन पे देंगे, कोई अरे कोई कोई दिन हो स्पेशली, कोई पर्व हो यार, महान पर्वों में दान करेंगे, जो जो ऐसा सोचते हैं कि भीड़ के सामने देंगे, ये तो सबसे ज्यादा सोचते हैं आजकल कि भीड़ के सामने देंगे। अरे उन्हें कर्मों की ऐसी लात पड़ती है ना, ऐसी लात पड़ती है, वो बाद में कुछ देने लायक ही नहीं बचते, है ना। जैसे जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे एक व्यक्ति था, है ना, उसके पास में एक गाय थी जो हर रोज 15 किलो दूध देती थी, पर उसने ये सोचा कि यार 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है ना, इतने मेहमान आएंगे, बहुत सारे लोग होंगे घर के अंदर, हर जने को शुद्ध दूध, हर चीज शुद्ध शुद्ध, है ना, शुद्ध दूध पिलाना है, तो मैं काम करता हूँ पूरा 1 महीना, ये सोचकर कि भाई अगले 1 महीने एक साथ निकाल लूंगा, है ना। तो उसने 1 महीने दूध ही नहीं निकाला, और फिर ऐसा सोचने के बाद में 1 महीने बाद जब वो गाय का दूध निकालने गया ना, शादी का जब समय आया, मेहमान आए, जब दूध निकालने गया, अरे गाय ने दूध तो दिया नहीं, उसे लात मारी कसके। वही 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 हो रहा है ना, तो दूध मिला ना हाथ में, हाथ पैर और टूट गए। वैसे ही उसी प्रकार ये दान देने दान देने दान देने, इसके लिए सोचो मत, जब भाव आए तब दे दो, आज भाव आ रहा है आज दे दो, कल आए कल दे दो, इन बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि यार अब आज तो कोई दिन ही नहीं, कई लोग अष्टमी के दिन ही दान देते हैं, हम तो और कोई दिन दान नहीं देते, अष्टमी के दिन मंदिर में गुल्लक में भी पैसा चढ़ाएंगे ना तो अष्टमी के दिन। अरे ये क्या लॉजिक है भाई, रोज चढ़ाओ ना, रोज 1 रुपए का तुम सिक्का डाल दोगे तुम गरीब थोड़ी ना हो जाओगे,
जब दान देने का भाव आ रहा है तब चढ़ाओ दान। अष्टमी के दिन ज्यादा पुण्य बनता है ना लोगों की, शायद वो मान्यता होएगी, पता नहीं। तो अष्टमी चौथ ये तो मान्यता वही बात है ना, वो इस चीज के अंदर वो पुण्य मान रहे, पुण्य मानकर दान दे रहे हैं कि अष्टमी के दिन अगर मैं दान दूंगा, अभी वहां लोभ आ गया, बस लोभ है उनको कि अष्टमी के दिन अगर मैं दान दूंगा ना तो मुझे ज्यादा पुण्य लगेगा, चौदस के दिन मैं दान दूंगा तो मुझे ज्यादा पुण्य लगेगा। अरे नाम चाहता है, भीड़ भड़क के अंदर दान देना चाहता है ये। अरे वास्तव में तो दान दिए बिना सोना नहीं और दान दे करके कभी रोना नहीं, ये ऐसा है वास्तविक दान, हमें दान समझना है। अरे दान को छुपा छुपा के देना चाहिए, छपा छपा के नहीं। आजकल तो हर व्यक्ति छपा छपा हर बैनर बनवाएगा, इसने 25 लाख रुपए दान दिए ना, सबसे पहले हर जगह एंट्री पे, भोजनालय के बाहर, भोजनालय के अंदर, पांडाल में, इधर उधर 25 जगह बैनर दिख जाएंगे आपको उसके। अरे छपा छपा के दान देता है। संस्था ये भी तो यही करती है ना कि वो ये दो आपका वो छपवाएंगे नाम और पब्लिश करेंगे तो। अरे तो संस्थाओं को मना नहीं कर सकते, वहां गुप्त दान जो देते हैं आप सोचो उनकी भावना कितनी उत्कृष्ट होगी वास्तव में। अरे छुपा छुपा के दान देना चाहिए दूसरे को बताने से, तो मान कषाय, तुम्हें मान कषाय बढ़ानी है अपनी, सीधी बात तो ये है। आपको पता है कि वो लगाएंगे, मना नहीं कर सकते आप है, ऐसे तो छोटी चीजों के लिए मना कर दोगे, लेकिन जो कहने की बात है, जो मना करने की बात है, उस पर एक शब्द नहीं बोलोगे। पर ऐसा भी है ना, भी अच्छा लगता है ना। नहीं एक बात ऐसी भी है कि ऐसा बोलते हैं कि भाई अगर जैसे अगर दूसरे भी फिर दूसरों को प्रोत्साहन मिलता है। अरे दूसरों की भावना होगी तो वो अपने आप देंगे, आप ये जबरदस्ती थोड़ी ना उनसे निकलवाना है। ये सब तो ऐसे एक स्ट्रेटेजी टाइप से एकदम ऐसे तिकड़म एकदम पूरा फॉर्मूला है। क्या होता है ना जो दानवीर अभी जैसे आपके साथ में कोई और है ना, वो भी हर साल दान देता है, आपने 5 लाख दिया ना तो वो छोटा ना हो जाए इसलिए वो भी 5 लाख देगा, इसलिए अब उसकी भावना नहीं होगी, उसकी भावना 2 लाख की होगी, लेकिन यार अब इनने दे दिया है अब मैं कम दूंगा तो ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे कि यार इसने कम दे दिया, तो उसकी अब वो बिना भावना के उसने दान दिया ना तो उसके मन में गलत भावना उत्पन्न हुई, तो अपने को ये इससे मान कषाय का पोषण होता है, कषाय उत्पन्न होती है इससे, क्रोध आता है, चारों कषाय आती है, सब सब होता है इससे सब, इसीलिए अपने को छुपा छुपा के देना चाहिए वास्तव में। अरे सामने वाले को पता ही नहीं चले, आपने फिर इससे क्या होएगा, जितना दिया ना उतना अपनी भावना से दिया, पूरा दिया, जितना आपकी भावना थी उतना दिया, किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं दिया। अरे खेचा तानी के बाद जो दान दिया जाए इस लोक में उससे यश आदि मिलता है ऐसा अपने को लगता है, और पुण्य का बंध नहीं होता है और ना ही यश आदि मिलता है, दोनों ही चीजें नहीं होती, आपको लगेगा कि यश आदि मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, छुपा छुपा के दो, छपा छपा के नहीं, वास्तव में बात तो यही है। अरे ऐसा कहते हैं ना दान ऐसा दो कि एक हाथ से दे रहे हो ना तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चले कि दान दिया है। ये अरे ये दान और त्याग में तीन अंतर है, तीन अंतर, सबसे बड़े तीन जो अंतर है क्या, पहला तो वस्तु जिसका त्याग तो कर सकते हैं पर दान नहीं दे सकते, जैसे राग द्वेष कषाय इनका त्याग तो कर सकते हैं पर इनको दान नहीं दे सकते, पत्नी पत्नी पुत्र परिवार इनका त्याग तो कर सकते हैं लेकिन दान नहीं दे सकते। दूसरा वस्तु वस्तु क्या जिनका दान तो हो सकता है पर त्याग नहीं हो सकता, ऐसी भी वस्तु है जैसे ज्ञान, ज्ञान का आप दान तो दे सकते हो लेकिन ज्ञान का त्याग कैसे करोगे, त्याग नहीं हो सकता। फिर तीसरा वस्तु जिनका दान भी हो सकता है और त्याग भी हो सकता है, कैसे कौन सी, अरे आहार अभय औषधि ये सब धन है ना, इनका त्याग भी हो सकता है और दान भी हो सकता है। अरे दान में थोड़ा सा बच के रखते हैं हम अपने पास और त्याग में सर्वथा त्याग देते हैं, दान में हमेशा बचा के रखेंगे
और त्याग में हमेशा पूरा पूरा त्याग देंगे, सर्वस्व त्याग देंगे। दान से परंपरा से हमेशा मोक्ष मिलेगा। परंपरागत मतलब दान किया तो अपने को पुण्य बना, तो आगे चल के परंपरा से अपन कह सकते हैं एक अपेक्षा से, और त्याग से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होगी। अरे अगर नरक की वैतरणी नदी, समझ गए ना, नरक की वैतरणी नदी जानते हैं ना सब, है ना, तो उस नरक की वैतरणी नदी में नहीं जाना चाहते हो ना, तो वितरण करना शुरू कर दो, मतलब दान देना शुरू कर दो, इस ओर कदम बढ़ाओ। त्याग धर्म जो है वो तो मुनिराजों के होएगा, है ना, लेकिन दान तो गृहस्थ कर सकते हैं ना, दान दे हम, और सही से दान दे। ये कषायों का पोषण करने के लिए दान ना दे, वास्तव में यही चीज है, यही चीज करने को है। मैंने पहले एक बात कही थी ना आपको, क्या, कि ना किसी के अभाव में जाओ, ना किसी के प्रभाव में जाओ, ना इन कषायों के अभाव में जाओ, ना इन कषायों के प्रभाव में जाओ, बस अपने स्वभाव में जाओ। ये यही करना है, यही वास्तव में करने की चीज है। ये हो गया ना तो सब हो जाएगा, ये हो गया ना तो सिद्ध बन जाएंगे, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये त्याग, त्याग धर्म प्रकट हो गया, साक्षात मोक्ष का कारण है ना, ये इस मोक्ष के कारण की ओर अपन कदम बढ़ाएं। और जिन्होंने ये इस इन धर्मों को, इन दसों धर्मों को अपना कर मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, हम भी उन्हीं की तरह मोक्ष को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात करी। बहुत बढ़िया।